गाइस तो कैसे हैं आप लोग। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा होने वाला है आप लोगों के लिए लीगली, और बेस्ट कॉलेज मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। हेलो, मैं हूं विकास कुमार सिंह, चलो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से मैंने इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप ऊपर में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जो टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो NIA जयपुर और BHU है। ये दोनों लगभग सेम है और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है और इसका काउंसलिंग AACCC के वेबसाइट पे होता है। एक भी काउंसलिंग में मिस्टेक आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, काउंसलिंग में एक मिस्टेक और पूरे गेम से बाहर। और पिछले साल भी बहुत लोगों ने काउंसलिंग मिस्टेक किया था और उन्हें उनका फल भुगतना पड़ रहा है। और आप भी काउंसलिंग में मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो वरना आपको फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम। प्लीज हर एक चीज अच्छे से जान लीजिए, रिसर्च करिए, काउंसलिंग आप अच्छे से करिए। सारा अपडेट्स आपको neetweather.com पे मिलता रहेगा और फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बेस्ट प्राइवेट कॉलेज की। तो देखिए भाई साहब, तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन सा है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज जैसा कोई चीज नहीं होता। एक लड़की ने मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन सा है उसे बता दीजिए। तो मैंने उसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज बता दिया जो कि सबसे महंगा है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके बजट के हिसाब से जो आपका कॉलेज होगा उसमें से वही बेस्ट प्राइवेट कॉलेज होता है। बेस्ट प्राइवेट कॉलेज वही होता है जो आपके बजट में आए। कॉलेज का एग्जाम सही समय पे हो, कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा हो, कॉलेज में फैकल्टी सारे के सारे हो, कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छा हो, आप कॉलेज में जाने के बाद कंफर्टेबल फील करो, ये सारा मैटर करता है। तो पिछले साल क्या हुआ कि एक लड़की मेरे को मैसेज करती है, वो कहती है कि मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसने जो एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया यूपी में, कोई एक जगह है वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है, उन्होंने ऐसा बोला। कुछ लोगों का ऐसा भी शिकायत है कि यूपी और बिहार में जहाँ 5.5 साल का कोर्स होता है वहाँ 7 साल में आपको BMS का डिग्री मिल रहा है। बिहार का तो और भी ज्यादा हालत खराब है, वहाँ के 80% स्टूडेंट का ये कहना है कि हम बिहार में कॉलेज नहीं करना चाहते। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं। खैर आते हैं टॉपिक पे। तो बेस्ट आपके हिसाब से कॉलेज कैसा होना चाहिए ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए ये सुनो। तो बेस्ट कॉलेज वो है जो घर से मिनिमम 3 घंटे का डिस्टेंस पे हो। कितना? 3 घंटे का मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 घंटे का बाय ट्रेन, क्योंकि घर से दूर रहोगे तो ही फ्रीडम का आनंद ले पाओगे। क्लास 12 तक तो अपने पेरेंट्स के साथ रहकर आप कुछ अपने मर्जी का तो नहीं कर पा रहे थे, कम से कम कॉलेज में तो कुछ कर पाओगे। अगर आप घर के सामने कॉलेज ले रहे हो तो फिर क्या फायदा, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। और अगर कभी गर्लफ्रेंड के साथ निकलोगे और बाप देख लिया तो घर में जूता मारेगा तुम्हें, तो तुम्हारे पापा बोलेंगे पढ़ने जाता है ये सब करने जाता है, सारा फ्रीडम का सत्यानाश। और अगर 12 घंटे से ज्यादा दूर ले लिया तो रास्ता बोरिंग हो जाता, और अगर ट्रेन से रात का जर्नी हो तो और भी ज्यादा अच्छा। रात को ट्रेन में सोए और सुबह उठकर देख रहे घर आ गया, ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। तुम अपने मर्जी का खा सकोगे, अपने मर्जी का पी सकोगे, जहां जाना है वहां जा सकोगे, कोई रोक टोक नहीं। अब तुम जवान हो चुके हो, टीनेजर थोड़ी ना कि डायरेक्शन नहीं मिला तो बच्चा बिगड़ जाएगा। अब तो वोट देने लायक भी हो गए हो, सही गलत का फैसला तो तुम जानते ही होगे। दूर रहोगे तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आएगा। हाँ वही जो मैं कह रहा था, तुम जवान हो चुके हो, तुम्हारा कली खिल चुका है, समझ रहे हो। मेरे वीडियो पेरेंट्स लोग भी देखते हैं, सोच रहे होंगे क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चे लोगों को। चुप कर बे कुत्ते। है अब देखिए बात करते हैं काम की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स लोग जो है वो मेरे से नंबर मांगते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, और अगर मैं ऐसा ही सबका नंबर बांटता रह गया तो मेरा दिन भर कॉल बसता रहेगा। देखिए मैं सबका मदद करना चाहता हूँ और मैं सबका मदद करता भी हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को बोल सकता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। देर से ही सही लेकिन रिप्लाई जरूर करता हूँ, और इस बार तो बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिप्लाई इतना आ रहा है। अभी अगर लिस्ट दिखाऊंगा तो 1500 लोग ने मैसेज करके रखा है, जिसमें से 150 का रिप्लाई देता हूं तो 1.5 घंटा लग जाता है। अब आप बताओ, कॉलेज का क्लास करूं, अपना खुद का पढ़ूं, वीडियो बनाऊं या वेबसाइट संभालूं, क्या क्या करूं? ऊपर से फिर मैं आपका चैट का रिप्लाई भी दे रहा हूं, एटलीस्ट थोड़ा आप भी मेरा प्रॉब्लम समझिए। और मैं जब ये बोलता हूं कि मैं नंबर नहीं दे सकता तो उन लोग बोलते हैं कि प्लीज आप अपना फीस बताइए, मैं आपको फीस देने के लिए तैयार हूं लेकिन आप जो है पर्सनली गाइड कर दीजिए। तो फिर मुझे वहां से आइडिया आया कि बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं है, उन लोगों को गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी। फिर उसके बाद मैंने VIP मेंबरशिप शुरू किया, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है वो VIP मेंबरशिप ले सकता है, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको जरूरत है वो लेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिसको पर्सनली गाइड
गाइड चाहिए, काउंसलिंग में उसका पर्सनली हेल्प चाहिए, और आप लोग जो है neetweather.com पे जाते रहिए, वहां पे आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। और neetweather.com पे ही आप जाके मेंबरशिप ले सकते हैं। और एक काम की बात, तो VIP मेंबरशिप में आपको बहुत सारा आपको प्लान दिख जाएगा। जो सबसे बड़ा प्लान है उसमें से सिर्फ 3 कूपन यूज हो चुका है, 2 कूपन अभी भी बाकी है, उसके बाद कोई कूपन नहीं चलेगा। और जैसे ही 20 मेंबरशिप हो जाएगा वैसे ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब आप पूछोगे क्यों, तो देखिए अगर मान लीजिए 100 लोगों ने मेंबरशिप लिया तो आपको क्या लगता है मैं संभाल पाऊंगा 100 लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब तक 20 ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। नीट अपडेट्स के लिए neetweather.com पे हमेशा रेगुलर विजिट करते रहिए। जो वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा वो मैं आपको वेबसाइट पे डाल दिया करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में कम से कम 4-5 घंटा लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अपडेट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यही आईडी भक्त विकास। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।